नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। यांत्रिकी के अंतर्गत हम किसी कण की गति का अध्ययन करते हैं, और जो कण की गति है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक स्थानांतरण गति और दूसरी घूर्णन गति। स्थानांतरण गति में पिंड या कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है गति के कारण, और स्थानांतरण गति को व्यक्त करने के लिए हम जो गति है उसमें कण की स्थिति, वेग, संवेग, बल, इन सब का अध्ययन करते हैं, या स्थानांतरण गति को व्यक्त करने के लिए हमें इन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उसकी स्थिति, संवेग, वेग, संवेग, बल। जबकि घूर्णन गति में पिंड किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, जो कि पिंड के अंदर से गुजर रही होती है, जो पिंड है या कण है वो उस घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति करता है, और इस प्रकार की गति को व्यक्त करने के लिए पिंड के जो पैरामीटर्स हैं उन सब का हमें एक तरीके से जो आघूर्ण है वो लेना होता है। अर्थात जिस प्रकार स्थानांतरण गति में पिंड की गति को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेग काम में लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ जनरली जो घूर्णन गति है उसमें पिंड का जो कोणीय वेग है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसी प्रकार स्थानांतरण गति में जो पिंड का संवेग है वो घूर्णन गति में रेखीय संवेग के आघूर्ण से व्यक्त किया जाता है, जिसको कि हम कोणीय संवेग कहते हैं। इसी प्रकार स्थानांतरण गति में जो बल पैरामीटर है वो बल आघूर्ण से, घूर्णन गति में बल आघूर्ण से व्यक्त किया जाता है। यानी स्थानांतरण गति के पैरामीटर जैसे कि संवेग, बल, इन सब को हम घूर्णन गति में कोणीय संवेग, बल आघूर्ण आदि से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हमने जो जूनियर क्लासेज हैं उसमें एक इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ी है। हमने पढ़ा है कि जे इक्वस टू, वेक्टर जे इक्वस टू आई ओमेगा होता है, जहाँ जे कोणीय संवेग है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा कोणीय वेग है। स्थानांतरण गति में पी इक्वस टू एम वी होता है, पी इक्वस टू एम वी होगा, जबकि घूर्णन गति में यही जो इक्वेशन है वो जे इक्वस टू आई ओमेगा से व्यक्त होगी, और ये जो इक्वेशन है वो घूर्णन गति करते हुए किसी भी पिंड पर लागू होती है। अभी तक हमने जूनियर क्लासेज में यही पढ़ा है, जहाँ पर जे कोणीय संवेग, आई जड़त आघूर्ण और ओमेगा है वो कोणीय वेग है। और इस इक्वेशन के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि जे और ओमेगा पैरेलल हों। जे भी वेक्टर राशि है, ओमेगा भी वेक्टर राशि है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। उस स्थिति में जबकि जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हैं, आई जो है वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। परंतु ऐसी स्थिति जिसमें जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल नहीं हों, उस स्थिति में ये इक्वेशन लागू नहीं होगी, और उस स्थिति में इस इक्वेशन के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि जो आई है वो कई घटकों में विभक्त हो जाता है, एक्चुअली ये 9 घटकों में विभक्त हो जाता है, और
इस प्रकार आई है वो इस प्रकार इन नौ घटकों में व्यक्त होता है जिससे कि जे इक्वल्स टू आई ओमेगा जो इक्वेशन है वो लागू हो जाए। इस प्रकार की स्थिति में आई के ये जो नौ घटक हैं ये जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं, इनर्शियल कोफिशियंट्स कहलाते हैं, और घूर्णन गति में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है अथवा एक समान वेग से गतिशील है तो उसकी उस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है। पिंडों के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी विराम अवस्था अथवा उसके रेखीय वेग में परिवर्तन करने के लिए उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार किसी पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापक्रम होता है। इसी प्रकार कोई पिंड विराम अवस्था में है अथवा एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसकी इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। पिंड के इस गुण को पिंड का घूर्णी जड़त्व कहते हैं तथा इसके मापन के लिए जिस भौतिक राशि को प्रयुक्त किया जाता है उसे घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होता है उसकी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक उस पर बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। अतः घूर्णन गति में किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण वही कार्य करता है जो रेखीय गति में पिंड का द्रव्यमान करता है। इसी समानता के आधार पर जिस प्रकार किसी पिंड के द्रव्यमान को उस पिंड के जड़त्व गुणांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन जड़त्व गुणांक या जड़त्वीय गुणांक कहा जा सकता है। परंतु जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में एक अंतर है। जड़त्व जहां केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है वहीं जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के साथ अतिरिक्त घूर्णन अक्ष जिसके प्रति पिंड घूर्णन कर रहा है उसके सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। यानी जो द्रव्यमान के कण हैं वो किस प्रकार घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी पिंड को कणों का निकाय मानकर मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड का कुल कोणीय संवेग जे का मान होगा जे इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई क्रॉस वी आई, जहां एम आई आर आई वी आई ये पिंड के आईवें कण के क्रम से द्रव्यमान स्थिति सदिश और वेग है। दृढ़ पिंड के लिए आर आई का परिमाण आर आई नियत रहता है अतः कण का वेग वी आई उस पिंड की घूर्णन गति से प्राप्त होता है। जैसा कि हमें मालूम है वी आई का मान होगा अगर पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उस स्थिति में वी आई का जो मान है वो होगा ओमेगा क्रॉस आर आई। इसलिए वी आई का मान इक्वेशन एक जो जे की इक्वेशन है उसमें रख दें तो जे का मान हो गया समेशन एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। और यहाँ ये तीन वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे हल करने के लिए हम ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर पी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी का अगर उपयोग करें जो समीकरण तीन जे की जो इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है वेक्टर जे इक्वल्स टू समेशन आई एम आई इंटू ओमेगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट आर डॉट ओमेगा। ये इक्वेशन चार है जे इक्वल्स टू समेशन आई एम आई ओमेगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा, जहां पर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई व ओमेगा जेड सदिश ओमेगा के एक्स वाई व जेड दिशाओं में घटक हैं व एक्स आई वाई आई जेड आई क्रम से सदिश आर आई के घटक हैं। आई आयत कण है जो पिंड है उसको हम डिफरेंट कणों से मिलकर के बना हुआ मान रहे हैं और
उन कणों में से आई है वो एक कोई कण है, और इस आयत कण का जो स्थिति सदिश है वो आर आई है, जिसकी की घटक एक्स आई वाई आई और जेड आई है। इसलिए जो समीकरण 4J की इक्वेशन है, इसको अगर हम घटकों के रूप में लिखें तो जे का वेक्टर, जे का जो एक्स घटक है वो होगा जे एक्स, ये इसका जो मान होगा समय से एम आई ओमेगा का एक्स आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई आर आई डॉट ओमेगा, और यहाँ पर जो आर आई डॉट ओमेगा ये एक अदिश राशि है और इसका जो मान है वो होगा आर आई वेक्टर आर आई डॉट ओमेगा इक्वस टू एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा वाई। इसलिए जी एक्स की इक्वेशन हो गई समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स प्लस माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई इंटू ओमेगा वाई प्लस माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई इंटू ओमेगा जेड। और इसी प्रकार जो वाई और जेड कंपोनेंट हैं जे के, उनको लिखा जा सकता है जे वाई इक्वस टू माइनस समेशन एम आई वाई आई एक्स आई इंटू ओमेगा एक्स प्लस समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई प्लस समेशन प्लस माइनस समेशन एम आई वाई आई जेड आई इंटू ओमेगा जेड। इसी प्रकार जे जेड इक्वस टू माइनस समेशन एम आई जेड आई एक्स आई इंटू ओमेगा एक्स प्लस समेशन एम आई वाई आई जेड आई इंटू ओमेगा वाई प्लस समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर इंटू ओमेगा जेड। तो ये जो समीकरण 6, 7 और 8 हैं, इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जे एक्स इक्वस टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, जे वाई इक्वस टू आई ओमेगा आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। इसी प्रकार आई जेड इक्वस टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड, जहाँ पर आई एक्स एक्स हमने माना है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर को, इसी प्रकार आई वाई वाई माना है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर को, आई जेड जेड माना है एम आई समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स ये बराबर हैं, इसका मान होगा माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई के बराबर। इसी प्रकार आई एक्स जेड बराबर आई जेड एक्स, इसका मान होगा माइनस एम आई एक्स आई जेड आई के बराबर समेशन, और आई वाई जेड और आई जेड वाई ये भी आपस में बराबर हैं, जिसका मान है माइनस समेशन एम आई वाई आई जेड आई। तो उपरोक्त जो 9 गुणांक हैं आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई वाई जेड आई जेड वाई आई एक्स जेड व आई जेड एक्स, ये जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। और इस ये जो समीकरण 9 जो कि जे एक्स जे वाई जे जेड की तीन जो इक्वेशंस हैं, इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है जे एक्स जे वाई जे जेड मैट्रिक्स बराबर आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड मैट्रिक्स इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड मैट्रिक्स। उपरोक्त जड़त्वीय गुणांकों की मैट्रिक्स के जो विकिर्ण पद हैं, डायगनल एलिमेंट्स हैं आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, इनमें एक विशेष गुण होता है, और वो गुण ये है कि आई एक्स एक्स का मान है समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, और आर आई स्क्वायर का चूंकि मान आर आई के तीन कंपोनेंट हैं एक्स आई वाई आई जेड आई, इसलिए आर आई स्क्वायर का मान होगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। इसलिए आई एक्स एक्स का मान हो गया समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आई एक्स एक्स का मान बचेगा समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, जबकि जो वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर ये आई में कण की एक्स एक्स से दूरी का वर्ग है। अर्थात आई एक्स एक्स ज्ञात करने के लिए कण के द्रव्यमान को उसके एक्स एक्स से दूरी के वर्ग से गुणा करने पर और फिर सभी कणों के लिए योग कर पिंड का गुणांक आई एक्स एक्स ज्ञात किया जा सकता है। अतः आई एक्स एक्स दृढ़ पिंड का एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसी प्रकार आई वाई वाई और आई जेड जेड, आई वाई वाई का मान होगा समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, इसी प्रकार आई जेड जेड इसका मान होगा समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस
वाई आई स्क्वायर, और इस प्रकार ये जो आई वाई और आई जेड जेड हैं ये पिंड के क्रम से वाई एक्स और जेड एक्स के सापेक्ष जड़त आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नौ जड़त्वीय गुणांक एक द्वितीय कोटि टेंसर के घटक हैं, इस टेंसर को जड़त्व आघूर्ण टेंसर ऊपर जो मैट्रिक्स के रूप में हमने व्यक्त किया है, चूँकि इसमें ये जो इंडिसेज हैं वो दो आ रही हैं, जैसे एक्स 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 वाई एक्स जेड या वाई 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 एक्स वाई जेड, तो इस कारण से ये मैट्रिक्स के बजाय टेंसर कहलाता है, टेंसर राशियां कहलाती हैं, राइट। तो जो जड़त्वीय गुणांकों का जो मैट्रिक्स है वो एक द्वितीय कोटि टेंसर होता है, इस टेंसर को जड़त्व आघूर्ण टेंसर कहते हैं। इस टेंसर के लिए जैसा कि इस टेंसर से ऑब्जर्व्ड है, आई आई जे इसको अगर जनरलाइज कर दें, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, तो जनरलाइज कर दें तो आई आई जे का जो मान है वो आई जे आई के बराबर होगा, जहाँ पर आई एक्स यानी आई एक्स वाई का मान आई वाई एक्स के बराबर, आई वाई जेड का मान आई वाई जेड इक्वस टू आई जेड वाई, और आई जेड एक्स इक्वस टू आई एक्स जेड। अतः ये एक सममित टेंसर है ना, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है। जैसे ये यहाँ दिख रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, तो ये आई एक्स वाई आई वाई एक्स और ये आई एक्स वाई ये आपस में बराबर है, ये आई जेड एक्स ये आई एक्स जेड ये आपस में बराबर है, ये आई वाई जेड ये आई जेड वाई ये आपस में बराबर है। इसलिए ये जो टेंसर है जड़त्व आघूर्ण का ये एक सममित टेंसर होता है। जड़त्व आघूर्ण टेंसर जो है वो कोणीय संवेग जे और कोणीय वेग ओमेगा के अंदर संबंध स्थापित करता है। समीकरण 9 के अनुसार कोणीय संवेग सदिश जे की दिशा सदैव घूर्णन अक्ष या कोणीय वेग ओमेगा की दिशा में नहीं होती है, परंतु ऐसा संभव है कि किसी भी आकार के दृढ़ पिंड के लिए तीन परस्पर लंबवत अक्ष या दिशाएं हो सकती हैं जिनके लिए कोणीय संवेग घूर्णन अक्ष के संपाती हो। यानी जो जे और ओमेगा है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, फिर भी जो पिंड है उसमें तीन ऐसी जो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं वो हो सकती हैं जिनके प्रति जो कोणीय संवेग है वो घूर्णन अक्ष के संपाती हो। तो उस स्थिति में ये जो तीन अक्ष जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये जड़त्व के मुख्य अक्ष कहलाते हैं और उनके संगति जड़त्व गुण ज्ञात किए जाते हैं। इस अवस्था में जो जड़त्व के गुणनफल यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं छः, जिसमें कि आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स है ना आई वाई एक्स आई एक्स वाई आई जेड जेड, इन सब का मान जीरो हो जाएगा अगर ऐसा संभव हो कि पिंड में ऐसी तीन परपेंडिकुलर एक्सिस संभव हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्सिया हैं जड़त्व के जो गुणनफल हैं जैसे कि आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई एक्स आई वाई एक्स आई एक्स जेड, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अलावा इन सब का अगर मान जीरो हो जाए तो उस स्थिति में ये जो एक्स हैं इनको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस उस स्थिति में कहलाती हैं। और उस स्थिति में जो जो इक्वेशंस हैं वो जो तीन इक्वेशन जे की अपन ने पढ़ी हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, जे एक्स इक्वस टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इक्वस टू आई वाई ओमेगा वाई, और जे जेड इक्वस टू आई जेड जेड ओमेगा जेड में। और इस प्रकार ये डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि ये कोई पिंड लिया गया है और इस पिंड में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस माना है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस,
ये कोई आईथ पार्टिकल है एम आई जिसका द्रव्यमान है, ये आर आई इसका पोजीशन वेक्टर है, ये ओमेगा मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में ये घूर्णन गति कर रहा है ओमेगा, इसके ये तीन कंपोनेंट ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, तो इस प्रकार का जो पिंड जिसमें कि ये तीन एक्सिस संभव हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस स्थिति में ये जो इक्वेशंस हैं ये इसमें कन्वर्ट होंगी। तो इस प्रकार आज की जो ये ऑनलाइन क्लास है इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।